तो वही कांग्रेस प्रत्याशी संजीव आर्य का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि नैनीताल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी संजीव आर्य ने 2022 के चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार स्पष्ट जनादेश होगा और बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। टीवी 100 न्यूज चैनल से खास बातचीत के दौरान संजीव आर्य ने कहा कि 5 साल में जो मेहनत करते आ रहे हैं उसका परिणाम 10 मार्च को सामने आएगा। घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं उन वादों को कांग्रेस की सरकार आते ही पूरा करेगी। नैनीताल से कांग्रेस के प्रत्याशी संजीव आर्य जी से बात करते हैं, किस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा और अब ईवीएम में कैद होने के बाद किस्मत किस तरीके से अपने को रिलैक्स महसूस कर रहे हैं और समय कैसे बीत रहा है। नहीं देखिए, मैं तो पहले इस लोकतंत्र के महापर्व में अपने नैनीताल विधानसभा के अपने बुजुर्गों का, मातृशक्ति का, युवा साथियों का आभार प्रकट करता हूं। और निश्चित तौर पर लोकतंत्र में मताधिकार का प्रयोग करना हर वोटर की अपनी एक महत्वपूर्ण ताकत है, जिसके प्रयोग से वो अगले 5 साल अपने क्षेत्र की दशा और दिशा को तय करते हैं। निश्चित तौर पर हम विकास के एजेंडे के साथ इस चुनाव में गए थे, जो मेरे द्वारा किए गए कार्य थे और साथ में जो हमारा भविष्य की कार्य योजनाएं थी और जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था, मैनिफेस्टो था, जो हमारा प्रतिज्ञा पत्र था जिसमें हमने जो जनता से वादे किए थे, तो हम जनता के बीच मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम बहुत बेहतर तरीके से उसको पहुँचाने में सफल भी हुए और हमें अपार जनसमर्थन आशीर्वाद भी मिला है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम नैनीताल विधानसभा ही नहीं पूरे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। स्पष्ट जनादेश कांग्रेस को मिलेगा और निश्चित तौर पर जिस वादों के साथ हम जनता के बीच गए थे धरातल पर लागू करने की हम पूरी तरीके से। क्या लगता है कि पूरे प्रदेश में जो स्थिति देखी जा रही है, क्या लग रहा है आपको कि भाजपा का तो सीधा सीधा कहना है कि कांग्रेस कहीं नहीं है, भाजपा है, दोबारा रिपीट कर रही सरकार, तो उसको किस तरीके देखते हैं, क्या कांग्रेस देखिए 10 मार्च को स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। देखिए ना, एक कहावत है ना कि मारने वाले का आप हाथ पकड़ सकते हैं, बोलने वाले की आप जबान नहीं पकड़ सकते। तो 10 मार्च तक उनको भी मुखालते में रहने दीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है, जितना मेरे परिवार का राजनीतिक अनुभव है और जिस तरीके से मैंने अपनी विधानसभा में लोगों का रुझान देखा, लोगों से जितना मेरा समन्वय तालमेल संवाद हुआ, उसमें मैंने देखा कि स्पष्ट रुझान कांग्रेस के प्रति है। लोगों को इस बात का पूरा एहसास है कि अगर राज्य में बेहतर रूप से कोई सरकार चल सकती है तो वो कांग्रेस के नेतृत्व में चल सकती है और हमको स्पष्ट जनादेश मिलेगा और आशा से बेहतर परिणाम। जिन सीटों पे अगर आज मीडिया भी किसी प्रकार के संशय में होगा, आप देखेंगे वो सीटें भी कांग्रेस के खाते में जाते हुए आप दिखेंगे। तो क्या लगता है आपको कितनी सीटें आएंगी पूरे प्रदेश में? मैंने कहा नहीं, स्पष्ट जनादेश होगा, स्पष्ट बहुमत होगा। तो स्पष्ट जनादेश अपने आप में इस बात को स्पष्ट कर दे रहा है कि कांग्रेस की एक सरकार जो होगी निश्चित तौर पर स्थिर सरकार होगी। भाजपा चाहे उसके बाद कितने भी प्रोपोगंडा करना चाहे, जिस तरीके से हम विभिन्न प्रदेशों में देखते हैं कि सरकार को अस्थिर करने की एक परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने एक परिपाटी डाल रखी है, लेकिन इतना स्पष्ट थक भी होगी और जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मतलब क्षेत्र की जनता को किस तरीके से धन्यवाद करेंगे और आपके साथ में सहयोग ये? देखिए मैं तो अपने क्षेत्र के, क्योंकि इस चुनाव में मैंने व्यक्तिगत तौर पर देखा कि मैं जिन क्षेत्रों में गया, गाँव में गया हूँ, चाहे नगर में गया, चाहे कस्बों में गया, मुझे मातृशक्ति ने, बुजुर्गों ने, युवाओं ने बहुत बहुत स्नेह दिया। मेरी विधानसभा शायद पूरे 70 विधानसभाओं में एक ऐसी विधानसभा रही कि मेरे पिताजी भी उनकी जनसभा चाहता था, लेकिन मौसम ऐसा रहा कि उनकी जनसभा नहीं हो पाई, माननीय हरीश रावत जी की नहीं हो पाई और कोई बड़े लीडर्स हम नहीं लाए, स्वयं ही मुझे पूरा चुनाव लड़ना पड़ा है। तो मैंने तो इस बात को कहा भी कि भाई मेरे वहाँ भले ही स्टार प्रचारक नहीं आए, लेकिन स्टार प्रचारक के तौर पर मेरे विधानसभा के बुजुर्गों ने, मातृशक्ति ने, युवा साथियों ने कमान संभाली और वही मेरे स्टार प्रचारक रहे हैं। तो जब जनता आपकी स्टार प्रचारक हो तो निश्चित तौर पर रिजल्ट अपने आप में बेहतर आएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। संजीव जी का साफ तौर पर कहना है जनता उनके साथ थी, चाहे बुजुर्ग हों चाहे युवा हों, 10 मार्च को सामने आएगा रिजल्ट, उसी का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं और कह रहे सरकार पूरी बहुमत लेके आ रही है, ये देखना 10 तारीख को सामने आ।